बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, अवंतिका पुरी की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से कल तक आपने देखा पानी बरस रहा था, लेकिन आज तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आनंद बरस रहा है। मोदी जी पधारे हैं, ऐसे हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए श्रीमान मोदी जी का। हमारे राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, अनुसुईया जी, केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय मंत्रीगण, तोमर जी, सिंधिया जी, वीरेंद्र जी, फग्गन सिंह जी, प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी साथी मंत्रीगण, और अवंतिकापुरी में, केवल अवंतिकापुरी नहीं, मध्य प्रदेश के हर शहर में, हर गांव में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को सुनने और भगवान शिव की पूजा करने बैठे हुए करोड़ों करोड़ बहनों और भाइयों, अद्भुत आनंद है आज श्री महाकाल लोक का। समर्पण माननीय मोदी जी ने महाकाल महाराज को ही किया है। अद्भुत महाकाल लोक बना है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति का मंत्र देने वाला भारत, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राममय सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। दुनिया को यह संदेश देने वाला भारत। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के उसी संदेश को मुझे याद आ रहा है, कभी स्वामी विवेकानंद नरेंद्र, उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और आज हम गर्व से कहते हैं दूसरे नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। हमारे वेद उपनिषद गीता का ज्ञान, हमारा योग आयुर्वेद आयुष पूरी दुनिया में लेके गए हैं आदरणीय मोदी जी। भौतिक प्रगति और विकास की चर्चा नहीं करेंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है, और हम सौभाग्यशाली हैं जो इन पलों के साक्षी हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब सिंहस्थ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सिंहस्थ में स्नान होते हैं, महाकाल भगवान की दर्शन पूजन होते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए। तब हमने विचार महाकुंभ किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने आए थे, 51 अमृत बिंदु निकले थे, उसमें से एक बिंदु यह था कि मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए, कुछ ऐसा भी हो
जिसे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य संस्कृति संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो, वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो यह तय हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया, टेंडर जारी किए। बीच में 19-20 में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन 20 के बाद फिर तेजी से काम प्रारंभ हुआ और आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब गदगद है, महाकाल महाराज की कृपा हम सब पर बरसे। सबका कल्याण करने वाले शिव, सबको स्नेह देने वाले शिव, थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाने वाले शिव, बील पत्ती चढ़ाओ प्रसन्न, भस्म रमाते, दुनिया जिसको ठुकराती उसको अपनाते, नाग भी गले में रहता, और जब समुद्र बंथन से जहर निकला और सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हुआ तब कौन उस जहर को पिए, तब ये भोले शंकर ओगरदानी फक्कड़ बाबा थे जिन्होंने हलाहल को पी के कंठ में धारण कर लिया, कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भगवान शिव। वो भगवान शिव हम सब पर कृपा की वर्षा करें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत का निर्माण हो रहा है, आज मैं इस डाइस पे खड़े होके ये कहने का साहस कर रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कराएगा, भारत कराएगा, भारत कराएगा, ये होगा। वैसे भारत के निर्माण के लिए हम वैसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक कर काम करें, मेरा यही निवेदन है। एक बार फिर महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसे। आइए मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का निर्माण हो रहा है उसमें हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करने का संकल्प लें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, हर हर महादेव।